بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: बाबिल औ कम सला तस्लिम मेरे दीनी और ईमानी भाइयों रमजान आ रहा है रमजानबारक का रहमतों वाला बरकतों वाला मखफिरत वाला महीना आने वाला है जिस महीने के मुतालिक मैंने आप हजरात के सामने चंद दिन पहले उसकी वजाहत की थी कि आखिर मेरे और आपके परवरदिगार ने मेरे और आपके खालिक को मालिक ने मुझ पर आप पर मुसलमानों पर रमज़ान के महीने क्यों फ़र्ज किए और मुकम्मल वजाहत आपके सामने हो चुकी थी अब जरूरी जो चीज़ें हैं मुनासिब समझता हूँ कि मेरे और आपके सामने आ जाए अल्लाह इज्जत ने इस दुनिया में मुझे और आपको और इस दुनिया में बसने वाले इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया अल्लाह ने कमो बेश हजार मखलूक पैदा की है उसमें सबसे अफजल अगर कोई मखलूक है तो वह इंसान है हजरत इंसान उस बंदे के अंदर अल्लाह ने खैर की सलाहियत भी रखी है और शर की सलाहियत भी रखी है बंदा अच्छे अमाल भी करता है बुरे आमाल भी करता है अच्छे और बुरे का दारदार बंदे के इख्तियार में दिया गया है इसी इख्तियार की बुनियाद पर कल के मैदान में मेरा और आपका परवरदिगार मुझसे और आपसे बाज पुरुष करेगा कि आखिर मैंने आपको ये सलाहियत दी थी आपने उसको इस जगह क्यों इस्तेमाल की अगर अच्छी जगह इस्तेमाल की होगी तो अल्लाह आपको उसके ऊपर अज्र देगा लेकिन अगर आपने उस सलाहियत को गलत जगह इस्तेमाल किया होगा तो अल्लाह उस पर पकड़ करेगा इस दुनिया में बसने वाले इंसान के इंसानों में से जो भी आया है तमाम को एक जिम्मेदारी के साथ भेजा गया है उस जिम्मेदारी को निभाना इस दुनिया में बसने वाले हर इंसान पर जरूरी है उस जिम्मेदारियों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको करना है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अल्लाह ने न करने का हुक्म दिया है नमाज है रोजा है हज है जक़़त है ये सारी ऐसी इबादतें हैं जिसको अल्लाह ने करने को कहा है जूत है गिबत है चुगली है धोखा है इसी तरह बहुत से ऐसी बुराइयाँ हैं जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुकने का हुक्म दिया है और इन तमाम जिम्मेदारियों से दोष होना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है अगर इस दुनिया में आने वाला इंसान कलमा पढ़ने के बाद इन तमाम चीजों को करता है जिसके करने का हुक्म दिया है और उन तमाम चीजों से रुक जाता है जिसके न करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अल्लाह इज़्ज़त ऐसे बंदों के लिए आसानियां कर देगा ये माह मुबारक आ रहा है मेरे भाइयों ये अल्लाह इज़्ज़त मुझे और आपको भूखा रखना नहीं चाहता कि बंदों को भूखा मार दिया जाए नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये मेरा बंदा जो दुनिया के आलाइशों में रहकर, दुनिया दुनिया के झमेलों के में रहकर खालिक से बहुत दूर हो गया है, रूह का रिश्ता जो अल्लाह से होना चाहिए था वो कमजोर पड़ रहा है उस रूह के रिश्ते को मजबूत करने के लिए अल्लाह इज़्ज़त ने साल के अंदर एक महीना ऐसा रखा है कि जिसमें बंदा भूखा रहे प्यासा रहे अपनी ख्वाहिश को दबाता रहे ताकि अगरचे उसका ज़ाहिरी जिसम ज़ाहिरी जिस्म कमज़ोर हो जाए लेकिन उसकी रूह की जो परवाज है वो इस कदर बुलंद हो जाए कि वापस उसका जो कनेक्शन अल्लाह रब्बुल रब्ल्ज़्ज़त से था वो बहुत मजबूत हो जाए इसलिए कि अल्लाह रब्ल का जो ताल्लुक़ और क़ुरब होता है वो रूह की वजह से होता है जिसमों की वजह से नहीं होता है मेरे भाइयों रूह का और अल्लाह का जो कनेक्शन और ताल्लुक है वो बड़ा मजबूत हुआ करता है क्योंकि मैं और आप दुनिया के झमेलों में रहकर गुनाहों वाली जिंदगी गुजार कर और अल्लाह से इताज से दूर रहकर हम इस कदर पीछे चले गए हैं कि हमारी और आपकी रूह कमजोर पड़ गई है मेरा और आपका खालिक मेरा और आपका परवरदिगार ये चाह रहा है कि मेरे ये बंदे जो रूह के एतबार से कमज़ोर है इस महीने के अंदर रोज़े रख ले और इस रोज़ों की बुनियाद के अंदर अल्लाह उनके दिलों के अंदर खशियत पैदा कर दे अल्लाह उनके दिलों के अंदर तकवा पैदा कर दे अल्लाह उनके दिलों के अंदर इतात वाला दाइया पैदा कर दे जिसकी वजह से फिर अल्लाह रब्ज़त के अहकाम पर चलना उनके लिए आसान हो जाए मेरे भाइयों रोजे का सबसे बड़ा मकसद अगर कोई मुझसे आपसे पूछे तो हम यही बतलाएंगे कि मेरा और आपका खालिक ये चाह रहा है कि बंदे के दिल के अंदर तकबा और खशियत पैदा हो जाए और यही मतलूब है मेरे भाइयों यही मतलूब है अगर बंदे के अंदर खशियत नहीं है अगर बंदे के अंदर तकबे की सिफत नहीं है यकीन जानिए वो बड़े से बड़ा गुनाह करने के लिए तैयार हो जाएगा जब अल्लाह का तसवर नहीं रहेगा जब खशियत इलाही नहीं होगी मेरे भाइयों फिर उसके लिए हर गुनाह करना आसान हो जाता है तो मेरा और आपका रब मेरे भाइयों इस रोजे से यह चाह रहा है कि मेरे बंदे के अंदर तक़वे की सिफत पैदा हो जाए खुशियत इलाही पैदा हो जाए जिसके बाद आने वाले ग्यारह महीनों के अंदर भी जब बंदा ऐसी चीजों से रुक जाएगा जो हलाल थी उसके लिए खाना उसके लिए हलाल था पीना उसके लिए हलाल था अपनी बीवी से सोहबत पूरी करना उसके लिए हलाल था लेकिन चूंकि रब ने मना किया था इसलिए वो एक महीने के अंदर ऐसे प्रैक्टिस करता है कि हलाल चीजों को थोड़े वक्त के लिए छोड़ देता है मेरे भाइयों इसकी बरकत ये होगी कि आने वाले ग्यारह महीने जो हराम काम है जिसको करने से अल्लाह ने मना किया है ऐसे बंदे के लिए उससे रुकना बहुत आसान हो जाता है यह है मेरे भाइयों रोजे का सबसे बड़ा मकसद मेरे लिए आपके लिए हमारे लिए परेशानी क्या है मालूम नहीं कि हम में से बहुत से ऐसे नौजवान बहुत से ऐसे अधेर उम्र के लोग और बहुत से ऐसे जो जवानी की दहलीस पे कदम रख चुके हैं उनके लिए रोजा रखना मुश्किल हो जाता है आखिर क्या बात है हम रोजा नहीं रख रहे मेरे भाइयों मामूली मामूली बहाने की वजह से मामूली मामूली जॉब की बुनियाद पर मामूली मामूली नौकरी की बुनियाद पर हम अल्लाह के इस इतने, इतने बड़े फरीदे से हम महरूम हो जाते हैं यकीन जानिए मेरे भाइयों आका अलेही वसल्लम का ये इरशाद है कि जो बंदा बग़ैर किसी उज्र के रोज़े को छोड़ देगा अगर रमज़ान के दिन के अलावा अगर वो साल भर रोजा रखता रहे जिंदगी भर रोजा रखता रहे उसके बावजूद वो बरकत और वो अजर सवाब जो उसको रमजान के एक दिन के रोजे में मिलने वाला था वो जिंदगी भर रोजा रखने के बाद भी नहीं मिल सकता इतनी बड़ी फजीलत है मेरे भाइयों आपने सुना है कि रमजान के अंदर कोई नफल अदा करता है तो उसको फर्ज का सवाब मिलता है अगर कोई फर्ज अदा करता है तो उसको सत्तर फर्जों का सवाब मिलता है कितना कितना रहमतों वाला महीना है बहारों वाला महीना है कि आदमी के लिए करना कम है और उसके ऊपर प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलता है लेकिन मुझे और आपको कदर नहीं है अहमियत नहीं है हम सुन्नतों का अहतमाम करें नवाफिल का अहतमाम करे और कम अज कम मेरे भाई एक रमजान ऐसा गुजार जिसके बारे में आका इरशाद है आप जानते हैं अल्लाह के रसुल्ला कोम्बर के करीब सहाबा हो गए अल्लाह के रसूल सल्हुस मिम्बर पर तशरीफ ले जाते हैं आपने अपना कदम पहली सरी के ऊपर रखा तो आपने कहा अमीन दूसरी सिरी पर रखा तो आपने कहा अमीन तीसरी सिरी पर रखा तो आपने कहा आमीन अल्लाह के रसूल वसल्लम अपने खिताब और वास से फारिग हो गए खुतबे से फारिग हो गए मिंबर से नीचे नीचे तशरीफ ले आए साहबा ने कहा ये हमारे अल्लाह के रसूल ये प्यारे रसूल वसल्लम आप आज एक नई बात देखी कि आप जब ऊपर जा रहे थे तो आपने तीन कदम के ऊपर चढ़ते वक्त आमीन कहा आखिर महाजरा क्या है आका वसल्लम ने फरमाया कि जबरी अमीन आए थे और उन्होंने ये कहा कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का मुबारक महीना मिल जाए और वह अपने अल्लाह से अपनी मगफिरत न करवा ले उस वक्त मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल ने उस वक्त आमीन कहा था फिर आगे कहा कि दूसरी सिरी पर जब मैंने आमीन कहा ये उस वक्त कहा था जब जबरी अमीन ने मुझे कहा कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जब, 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 जब अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम का मेरा नाम लिया जावे और उस वक्त वो वह सलाम न भेजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे भाइयों तीसरा जब कदम रखा उस वक्त आमीन कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबरे अमीन ने यह फरमाया था कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो वो शख्स कि जिसको अपने वालिदैन या वालिदैन में से एक मुयसर हो जाए बुढ़ापे के अंदर और वो अपनी उसकी खिदमत कर कर अपने आप को जन्नत का मुस्तक न बनवा ले मेरे भाइयों उस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था आप सोचिए इस बात को इस मंजर को अपने सामने रखिए कि तीन चीजें थी रमजान और मुबारक के अंदर अपने परवरदिगार के सामने माफी मांगकर अपने आप को मगफिरत का मुस्तह करवा लेना दूसरी चीज थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा ताल्लुक हो कि जब भी आपका नाम आए तो हम उस नाम के बाद सलाम भेजने वाले हो और तीसरी बात थी अपने वाले की ऐसी खिदमत कर ले कि रब राजी हो जाए और मुस्तहक हो जाए हम अल्लाह इज़्ज़त की बनाई हुई जन्नत के हम तीनों चीजों के अंदर बहुत कमजोर हैं मेरे भाइयों रमजान के रमजान जा रहे हैं और हमारे रमज़ान के ये आलम है कि हम रमजान के महीने के अंदर भी अपने गुनाहों से बाज नहीं आ रहे हैं वो गुनाह जो झूठ का था वो गुनाह जो गिबत का था वो गुनाह जो धोखे का था वो गुनाह जो आंखों का था वो गुनाह जो हराम खाने का था वो गुनाह जो लोगों को तकलीफ देने का था वो सारे के सारे गुनाह हम रमजान में भी किए जा रहे हैं अगर इस तरह की मेरी और आपकी जिंदगी होगी कि हमारी रातें भी महफूज नहीं हमारे दिन भी महफूज नहीं हम बुके तो रहते हैं पैसे तो रहते हैं हम अपनी बीवियों से तो सोहबत नहीं करते लेकिन हमारी आंखों का ये आलम है कि हम कोई आंख ऐसी नहीं ऊपर देखते जिसमें गुनाह न होता हो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिसमें हम गिबत न करते हो किसी को धोखा न देते हो तिजारत के अंदर किसी के साथ गबन का मामला न करते हो मेरे भाइयों झूठ हमसे नहीं छोड़ा जाता गिबत हमसे नहीं छोड़ी जाती लोगों को तकलीफ देना हमसे नहीं छोड़ा जाता फिर अल्लाह मेरे और आपके साथ मफफरत का मामला कैसे कर सकता है तो मेरे और आपके रमजान का भी ये आलम है कि दस रमजान चले गए बीस रमजान गुजर गए लेकिन फिर भी कोई ऐसा रमजान नहीं जिसके बारे में दिल का दिल को यह तसल्ली मिल जाए कि शायद इस रमजान के अंदर रब राजी हो गया होगा मेरे भाइयों इस रमजान के अंदर सच्ची और पक्की तोबा कर लीजिए अपने तमाम गुनाहों से तोबा कर लीजिए बहुत आसान है इन दिनों के अंदर तोबा का करना गुनाहों को छोड़ना इसलिए कि शैतान बंद होते हैं जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं और आपका और मेरा जो नफ्स है वो दबा हुआ होता है इसलिए रमजान के अंदर गुनाहों को छोड़ना गैर रमजान के मुकाबले में आसान हो जाता है कोशिश कीजिए अपने अल्लाह से मांगिए अपने जो पूरे दिन भर का आपका जो अवकात है जो शेड्यूल है उसको बदलने की कोशिश कीजिए ग्यारह महीना हम कमाते हैं ग्यारह महीना कमाते हैं एक महीना अगर कम कमाएंगे तो शायद कम मालदार नहीं हो जाएंगे अगर 11 महीना कमाने के बाद भी मेरे और आपके पास माल इतना नहीं आया जितना आना चाहिए था एक महीना और छोड़ दीजिए क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे भाइयों क्या फर्क पड़ जाएगा मैंने आपके शहर में अपने इस शहर में ऐसे लोगों को देखा है जो 11 महीना इतना कमाते हैं इतना कमाते हैं कि अगर वो उस रमजान के महीने में कमाएंगे तो 11 महीने के मुकाबले में उस रमजान में ज्यादा कमाएंगे लेकिन सिर्फ अल्लाह की इबादत के खातिर आसानी से रोजे रखने के खातिर रातों को जागने के खातिर वो इस एक महीने के अंदर अपने बिजनेस को क्लोज कर देते हैं रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को सलामत रखे और उनकी बिजनेस और तिजारत के अंदर और, और बिजनेस के को थप कर दे। लेकिन ऐसा बनाए कि खुद भी में लगे। अपने मजदूर अपने सरपरस्ती में अपनी माताती में रहने वाले लोग भी आसानी से रोजा रख सके कुरान की तिलावत कर सके मेरे भाइयों रात की तरावी भी पढ़ सके इसलिए यही रोजा है कि अगर हम ईमान के साथ

إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر جرجعات اندر तरावी पढ़ता है नमाजें पढ़ता है कलाम मुक़दस की तिलावत करता है जिक्र असकार करता है इस नीयत के साथ कि मेरे रब ने जो जो वादे किए हैं सारे के सारे सच्चे हैं और मेरे रब मेरा रब इन तमाम वादों को पूरा करने वाला है मेरे भाइयों यही तरावी यही कुरान की तिलावत यही आपका जिक्र असकार यही आपका अल्लाह के सामने दुआएं मांगना इस कदर नवादिशात का मामला कर देगा मेरे भाइयों कि आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और ये मेरा ये मेरी बात नहीं है किसी बहन पर बुजुर्ग की बात नहीं है किसी कुतुब अबदार की बात नहीं है इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान मेरा और आपका नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये खुशखबरी दे रहा है कि जो भी इस नियत से तरावी पढ़ेगा जो भी इस नियत से रोजा रखेगा जो भी इस नियत से कलाम मुकद्दस की तिलावत करेगा रमजान के महीने में अल्लाह उसको इतनी नवाजिशात कर देगा कि वो अपने तमाम गुनाहों को अपने अल्लाह से बख्शवा लेगा मेरे भाइयों जरूरत है मेरी और आपकी जरूरत इस दुनिया में सबसे बड़ी ये है कि हम अपने अल्लाह को राजी करवा लें अपने अल्लाह को राज़ी करवा लें अब थोड़ी देर के लिए सोचिए मेरी जिंदगी आपकी ज़िंदगी बहुत कुछ तो गुजर चुकी है थोड़ी बहुत जो बाकी है वो भी गुजर जाएगी कैसी भी गुजरी और आने वाली कैसी भी गुजर गुजरेगी नहीं मालूम अल्लाह अच्छी गुजरवाए लेकिन ख़त्म हो जाएगी लेकिन इस जिंदगी के गुजारने के बाद मेरे बारे में आपके बारे में यह फैसला हो गया कि रब राजी हो गया तो आसान यह है ये तो। कि जो गुजरने थे वो गुजर गई है और जो खत्म नहीं होने वाली है उसके बारे में अल्लाह की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला कि रब राजी हो गया बस तस्वर कीजिए इतना कि इस दुनिया का चलाने वाला खालिक और मालिक मेरे बारे में ये फैसला करेगा कि रब राजी हो गया तो बहुत सस्ता सौदा है मेरे भाइयों लेकिन अगर एक तरफ मेरी जिंदगी आसानियाँ वाली फरहतों वाली, खुशियों वाली एंजॉयमेंट वाली जिंदगी गुजरी सात साल सत्तर साल अस्सी साल मैंने जिंदगी में बहुत मजे उड़ाए लेकिन आंख बंद होने के बाद कल क्यामत के मैदान में मेरे बारे में आपके बारे में अगर यह फैसला हो गया कि आपका रब आपसे राजी नहीं है सोचिए अगर किसी के बाप में ये बात कही जाएगी कि रब राजी है उसका मतलब यह है कि वो जन्नत का मुस्तैक हो गया और अब कोई जिंदगी न, न खत्म होने वाली जिंदगी के के लिए उसके लिए जन्नत का फैसला है और जिसके बारे में अल्लाह ने यह कह दिया कि हम आपकी जिंदगी से खुश नहीं थे उसके लिए हमेशा के लिए जहन्नम के फैसले कर दिए जाएंगे मेरे भाइयों इस थोड़ी सी जिंदगी की खातिर अपने उस रब को नाराज नहीं करना है जिंदगी ऐसी गुजारिए कि रब राजी हो जाए इस रमजान के अंदर नियत कर लीजिए कि रोजे ऐसे रखेंगे कि रब राजी हो जाएगा। तरावी ऐसी पढ़ेंगे रब राजी हो जाएंगे जक़ात ऐसी देंगे कि रब राजी हो जाएगा मेरे भाइयों जक़ात का बड़ा संगीन मसला है हम मुसलमानों का बड़ा संगीन मसला है अक्सर तो जक़ात निकालते ही नहीं है और जो निकालते हैं उनके पास कोई तरतीब नहीं है अभी हम इसी मजमे से कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि उनके ऊपर जक़ात वाजिब है लेकिन मसाइल के मालूम न होने की वजह से मालूम न होना कोई बुरी बात नहीं है मालूम न होने के बाद भी किसी से पूछते तक नहीं है ये बहुत बड़ा जुर्म है मेरे भाइयों कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो जकत के मतलब जकत देने वाले हैं निशाब के मालिक बन चुके हैं लेकिन जक़ात अदा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको मसला ही नहीं मालूम है कि हम पर जक़ात फर्ज हुई है कि नहीं हुई है मुसलमान है जिसको ये कहा गया था कि कलमा पढ़ने के बाद नमाज अदा करनी है और देनी है जकत दो।, दो हम नमाज के बाद में कहा है आपको मालूम है नमाज भी हमारी कैसी आप जानते हैं कि हम मुसलमानों का अक्सर तबका अक्सर बच्चों में जवानों में बूढ़ों में अक्सर तबका नमाज नहीं पढ़ता है नमाज नहीं पढ़ता है जमात से नहीं पढ़ते ऐसे भी आपको मिल जाएंगे लेकिन नमाज न पढ़ने वाले भी मिल जाएंगे अगर मेरा और आपका रिश्ता अल्लाह से इतना भी नहीं है कि हम दिन में पांच मरतबा उस रब के पास आकर अपना सर झुका देवे मेरे भाइयों अगर इतना भी रिश्ता मजबूत नहीं है फिर हालात कैसे बदलेंगे और फिर जक़ात का मसला ऐसा है कि हम मुसलमानों में अक्सर ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि जक़ात जिन पर फर्ज है उनको उसकी फर्जियत का इल्म तक नहीं है और जिनको है वो तरतीब से नहीं दे रहे हैं, मेरे भाइयों इतना खूबसूरत इंतज़ाम था कि अगर किसी बड़े शहर के रहने वाले लोग अगर इस तरह का इंतज़ाम कर ले कि अल्लाह ने जिस तरह फर्ज किया है और जिस तरतीब से किया है अगर हम उस तरतीब से निकालने वाले बन जाए मेरे भाइयों उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नौमानी दामद बरका तो हमने एक मरतबा अमरीका के बहुत बड़े बहुत बड़े इजलास में जहां सिर्फ मुसलमान नहीं थे बड़े बड़े दिमाग रखने वाले दुनिया के लोग मौजूद थे उसको कहा था कि अमेरिका के रहने वाले लोग अगर तुम्हारे शहर में और तुम्हारे मुल्क में रहने वाले मुसलमान अगर सही तरतीब से जकत निकालने वाले बन जाए तो अफ्रीका के कई ऐसे मुल्क जो गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं भुखमरी की जिंदगी गुजार रहे हैं एक साल की जकत से उनकी गुर्बत और उनकी भुखमरी दूर हो सकती है मेरे भाइयों अगर हम शहर अहमदाबाद के रहने वाले लोग भी अगर सही तरतीब से जक़ात निकालेंगे सही तरतीब से जक़ात निकालेंगे और अल्लाह ने जो फर्ज किया है इस तरह निकालेंगे यकीन जानिए मेरे भाइयों इस शहर की गुरुबत और इस शहर की भुखमरी को भी हम दूर कर सकते हैं लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम निकालते नहीं हैं और जो निकालते हैं वो सही तरतीब से नहीं निकालते हैं मेरे भाइयों मेरा और आपका रब अगर चाहता तो जो लोग कमज़ोर है उनको भी दे सकता था लेकिन आप पर अहतम करके आपको इतना दिया है कि आप खुद भी अच्छी तरह रह सकते हो आप अपनी औलाद को अच्छी तरह रख सकते हो आप अच्छा घर बना सकते हो अच्छी कामयाब तजारत चला सकते हो और उसके बाद आपके पास जो पैसे बचे वो पैसे आप अपनी ज़रूरतमंदों को दे सकते हो इसलिए आपके रब ने मेरे और आपके खालिद ने आपको इस काबिल बनाया है फिर भी अगर हम ऐसे लोगों तक जक़ात नहीं पहुंचा रहे हैं तो ये मेरे और आपके लिए बड़े खतरे की घंटी है मेरे भाइयों जो तो जक़ात नहीं देते उनके बारे में किसी को पूछिए कि अगर जक़ात नहीं देंगे तो अल्लाह क्या अजाब देगा पूछिए मेरे भाइयों जिसम के जो रोंगते हैं बाल वो खड़े हो जाएंगे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि अगर हमने जकायत नहीं दी तो यही माल कल क्यामत के मैदान में मेरे और आपके लिए वबाल जान बन जाएगा मेरे भाइयों आपने कानून का नाम सुना होगा

पास इतना माल था इतने खजाने थे कि उसकी खजाने की चाबियां 200 सो खच्चर के ऊपर जाया करती थी और उस जमाने के अंदर चाबियां मेरे भाइयों आज से तकरीबन 300-400 साल पहले की बात है कि चाबियां इतनी इतनी बड़ी हुआ करती थी लकड़ी की चाबियां इतनी इतनी, इतनी इतनी बड़ी हुआ करती थी उस जमाने की चाबियों को क्या आलम रहा होगा मेरे भाइयों तो वो दो सो दो के ऊपर चला करते थे उसके खजानों की चाबियां भी और उसके खजाने उसको कहा कि रब ने तुझे बहुत कुछ दिया है इस माल से तू तो अपने रब को राजी कर ले दुनिया में तो जरूरतमंद है उसको दे तू और यह भी नहीं कहा कि तू तो कंगाल हो जा वाला नसीब सनसी दुनिया। खुद भी अच्छी जिंदगी गुजार बच्चों को भी अच्छा रख बेहतरीन से बेहतरीन सवारी रख बेहतरीन से बेहतरीन बंगला रख लेकिन इस माल में से गरीबों का भी हक अदा कर दे ताकि तेरी आखिरत बन जाए आखिरत बनाने के लिए उस वक्त वो गुरूर और तकबुर के नशे में था उसने बात मानने के बजाय उसने ये कहा कि ये, ये मेरा हुनर है ये मैंने अपने अकल से कमाया है जब मैंने अपने अकल से कमाया है तब मैं क्यों दू गरीबों को क्यों दू उसने देने से इनकार कर दिया मेरे भाइयों कला में मुकदस के इस वाक्य के दूसरे पल दूसरा जो वरक है उसके ऊपर जब उससे रब नाराज हो गए अल्लाह उसे नाराज हो गया तो कला में मुकदस ये कहता है अल्लाह ये फरमाते हैं कि हमने उस कानून को उसके खजानों के साथ जमीन के अंदर ढसा दिया और उसको हला को बर्बाद कर दिया मेरे भाइयों मेरे और आपने आपके रब ने मेरे ऊपर आपके ऊपर भी बड़ी करम बड़े करम फरमाए हैं बड़े एहसान फरमाया है जैसा कोरोना चला गया मेरे भाइयों लेकिन अल्लाह ने हमको किसी का मुस्तक नहीं बनाया किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने की नौबत नहीं आई इससे बड़ा कोई कर्म नहीं हो सकता है बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बड़े तिजारत पेशा लोग बड़े बड़े मालदार लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने मेरे भाइयों अपनी गरीबी का इजहार लोगों के सामने कर दिया ऐसे संगीन हालात के अंदर दो दो तीन तीन साल गुजर गए मेरे भाइयों लेकिन हम जैसे लोगों के ऊपर कभी बत की नौबत नहीं आई ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है अगर इस तरह करम के अल्लाह मामला करता रहा और उसके बावजूद भी अगर मेरी और आपकी तरफ से अल्लाह की तरफ इताद की तरफ मेरे और आपके कदम नहीं बढ़े तो ये मेरे और आपके लिए बड़े ख़तरे की घंटी है मेरे भाइयों अपने गलत कदम को उठ... उठे हुए कदम को रोक लीजिए जक़ात की तरफ आइए अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है नमाज के बाद उसको अदा करने की कोशिश कीजिए साल में एक मरतबा अदा करनी होती है कितनी खूबसूरत है, कि है जो तुम पूरी की पूरी खा जाते हो तरबूज खरीदते हो खरबूजा खरीदते हो पूरा का पूरा नहीं खाते हो आम खरीदते हो पूरा का पूरा नहीं खाते हो एक छोटी सी चीज चॉकलेट खरीदते हो मेरे भाइयों उसका ऊपर का वर्क भी तो तुम निकाल देते हो अगर तुमने अल्लाह का हुक्म मानकर समझ में आता है कि नहीं आता है बस इसलिए ढाई परसेंट निकालते हो एक लाख के ऊपर पच्चीस सौ रुपया आप निकालते हो कि मेरे रब ने कहा है मेरे भाइयों क्या बिगड़ जाएगा वो रब जिसने ये हुक्म दिया है कलाम में मुकदस के अंदर कि जो भी बंदा मेरे नाम पर खर्च करेगा मैं एक नहीं दस गुना नहीं उसको सात सौ गुना दूंगा और इस रमजान के अंदर जो भी देगा मेरे भाई उसके बारे में तो उसने ये कह दिया है कि मैं इतना दूंगा इतना दूंगा कि आप उसका गुमान तक नहीं कर सकते हो रोजे के बारे में उसने ये कहा है कि रोजा जब मेरे लिए रखा है तो बदला भी मैं ही दूंगा बदले मेरे भाइयों बल्कि बाद जगह ये कहा है कि मैं ही उसका बदला हूं अगर किसी को बादशाह मिल जाए तो उसको फिर बादशाह की सल्तनत की जरूरत नहीं पड़ती जब किसी को रब मिल जाए मेरे भाइयों तो फिर उसको अल्लाह की तरफ से जो मिलने वाला है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए कि रब मिल गया मेरे भाइयों मेरी और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये है इस दुनिया में आने का कि मेरा और आपका खालिक मेरा और आपका रब हमसे राजी हो जाए और यही महीना ऐसा है जिसमें हम राजी कर सकते हैं अगर इस महीने के अंदर अपने रब को नहीं मना सके तो फिर आखिर वो कौन सा दिन आएगा जिसके अंदर हम अपने रब को मना सकते हैं मेरे भाइयों अपनी गुनाहों की जिंदगी के ऊपर ब्रेक लगा दीजिए अपने रिश्तों के ताल। अपने रिश्तेदारों के तल्लु को ठीक कर लीजिए अपने वालदेन के साथ सलूक को ठीक कर लीजिए अपने पड़ोसों के हकूक को अदा करने की कोशिश कीजिए इस रमज़ान के अंदर अपने मजदूरों के साथ अच्छा सलूक कीजिए और मेरे भाइयों रोजा इफ्तार कराने की कोशिश कीजिए जो बंदा रोजा इफ्तार कराएगा तो उसको इतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजेदार का है बल्कि एक रिवायत में यह आया है मेरे भाइयों कि अगर किसी ने पेट भर के इफ्तार कराया कल क्यामत के मैदान में हौजे कौसर से उसको ऐसा जाम पिलाया जाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक उसको प्यास नहीं लगेगी और हर रात रमज़ान की हर रात मेरे भाइयों रमजान की हर रात अल्लाह की तरफ से एक मुनादी आवाज करता है या बाग़ियल खैर अकबिल व या बाग़ शर अक्सर के खैर के तलबगार और और खैर कर और खैर कर और खैर कर और एक गुनाह के तलबगार गुनाह पे रुक ब्रेक लगा दे ब्रेक लगा दे मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं कीजिए कि इस महीने के अंदर कोई घड़ी इसी मुझे और आपको मिल जाए जिसके बारे में मुझे और आपको मकफिरत का परवाना मिल जाए इस कदर रहमतें उतरती है इस कदर रहमतें उतरती है कि कुछ रहमतों के बाद फिर हम मगफिरत के मुस्तक हो जाते हैं और मकफिरत की इस कदर हवाएं चलती है रब करीम की तरफ से कि फिर बंदे के बारे में ये फैसले हो जाते हैं कि बंदे तेरे बारे में हमने आग से खलास आग से खलासे का भी ऐलान कर दिया माह माह मुबारक के अंदर बहुत से इदारों के लोग भी आपके पास आएंगे अपनी ताउन की अपील लेकर आएंगे आपके पास अक्सर हम ये सोचते हैं ये समझते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले गरीब यतीम बच्चे हैं हम उनकी परवरिश के लिए पैसे दे रहे हैं बच्चे खाएंगे पिएंगे बड़े हो जाएंगे शादी के लायक होकर फिर अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे नहीं मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते अपनी जक़ात को इस नीयत से मत देना कि गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी परवरिश हो जाएगी बल्कि इस नीयत को चेंज कीजिए इस नीयत से देंगे कि इस दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगढ़े हो रहे हैं इस इस्लाम के तदाफ के डिफेंस के लिए इस इस्लाम का सही इस्लाम की सही तर्जमानी करने के लिए इस्लाम पर जो भी एतराजात हो रहे हैं इन तमाम एतराजात का और इसका डिफेंस करने के लिए यही बच्चे तैयार होंगे यही गरीबों के बच्चे तैयार होंगे और इस्लाम के दिफा के लिए हमारे पैसे लगेंगे मेरे भाइयों इसलिए देना पैसे इसलिए मत देना कि गरीब बच्चे जवान हो जाएंगे अगर इस नीयत से देंगे तो आपके देने का दायरा भी बदल जाएगा अल्लाह रबुल्ज़त आपकी जो नीयत है उस नीयत के ऊपर आपको और देगा इन शो लोग भी आए उनका एहतराम कीजिए उनकी कदर कीजिए गर्मियों का महीना है 45 पैंतालीस डिग्री गर्मी हम अपने घर से बाहर निकालना निकलना पसंद नहीं करते वो किराम वो शेखुल हदीस वो जो वो जलाल पढ़ाने वाले तबसर पढ़ाने वाले किराम आपके पास सिर्फ इदारों को चलाने के लिए आएंगे उनकी क़दर कीजिए उनकी इज्ज़त कीजिए उनके लिए इफ्तारी और सहरी का इंतजाम कीजिए उनके लिए रहने का इंतजाम कीजिए मेरे भाइयों यकीन के साथ कीजिए यही अमल रब को इस कदर पसंद आ जाएगा कि अल्लाह इसके ऊपर भी आपकी मफ़िरत कर सकता है अल्लाह इज्जत, मुझे भी आपको भी और इस दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों के लिए इस रमजान को सलामत वाला बनाए और तमाम मुसलमानों को भी सलामत के साथ रखे और इस रमज़ान के अंदर अल्लाह तर अल्लाह रबुलजत की तरफ से तमाम के लिए फैसले हो कि रब राज़ी हो जाए वाहिर